हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा। आप सभी ने खाया होगा और ये वाकई ही बहुत यम्मी होता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत ही आसानी से हम अपने घर पर बना सकते हैं। ओह हो, सॉरी दोस्तों, बेसन तो हमारे घर पर आज है ही नहीं, तो बेसन का हलवा तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं बना सकती। ये तो मैंने आप लोगों को गलत कह दिया कि बेसन का हलवा मैं बनाने वाली हूँ, तो आज तो शायद बेसन का हलवा नहीं बनेगा। तो फिर अब क्या करें, सोचते हैं, कुछ तो सोचते हैं। तो चलिए फिर ऐसे करते हैं, एक रखते हैं प्लेट, और घर पर मेरे शायद चने की दाल है, चने की दाल है। तो फिर अब क्या करेंगे, आज हम चने की दाल से घर पर आसानी से बेसन कैसे बनाया जाता है, आज हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वो तो मैंने आपको वैसे ही कहा था कि बेसन का हलवा बनाने वाली हूँ, एक्चुअली आज हम बेसन घर पर किस तरह से आसानी से बना सकते हैं इसी के बारे में हम आज ये रेसिपी डालने वाली हूँ मैं। तो चलिए फिर बनाते हैं बेसन चने की दाल से। तो चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके ले लिया है। वैसे तो आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अच्छी तरह से पैकिंग आई होती है और साफ़ ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगी, एक पैन में डाल लूँगी और इसे हम करेंगे हल्का सा ड्राई रोस्ट। तो इसे हमें ज़्यादा रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट करना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है हमें, ना मीडियम रखनी है और हाई तो बिल्कुल भी नहीं रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है। तो इसे चलाते हुए कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। और देखिए, रोस्ट भी हमें इतना करना है, ये देखिए मुझे हाथ में लगा रही हूँ पर मुझे गर्म नहीं लग रहा, बिल्कुल धीरे धीरे हल्का हल्का इसे हमें 20 से 30 सेकंड तक रोस्ट करना है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ बनाने लगते हैं, जैसे आज मैंने आपसे कहा कि बेसन का हलवा बनाएंगे। कई बार ऐसे होता है, हम पकोड़े बनाते हैं, कढ़ी बनाना होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी होती है जो हमें बेसन से बनानी होती है, तो घर पर बेसन नहीं होता और एकदम से हम जाकर मार्केट से ला भी नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह चने की दाल लेंगे और इसी तरह हम इसे रोस्ट करेंगे और इसका बेसन तैयार करेंगे। तो हमारी ये दाल रोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसे यहीं पर ठंडा होने दूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, ये देखिए मैं हाथ में लेकर आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल कड़क दाल होनी चाहिए, जब ये ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल एकदम से कड़क हो जाती है। अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के लिए मैं डाल देती हूँ ग्राइंडर में सारी दाल को, और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये दाल जो हम ग्राइंड करेंगे और इसका जो बेसन तैयार करेंगे, इससे जो हम घर पर बेसन का हलवा या पकोड़े या कढ़ी बनाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है और आप सब आपको वाह वाह ही कहेंगे। तो इसे हम ग्राइंड करते जाएंगे। तो एक बारी खोल के देख लेते हैं, स्पून की हेल्प से मैंने एक बार चला दिया है इसको और फिर मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रही है, इसका मतलब हमारी दाल अच्छी तरह से ग्राइंड हो रही है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बेसन बनकर तैयार हो चुका है, और घर का बेसन है, बिल्कुल शुद्ध बेसन है, कोई मिलावट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल साफ सुथरा बेसन हमने बनाकर तैयार किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्रीक देखिए पीस कर तैयार हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप।
अगर हल्का सा कसर मुझे और लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और पीस लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत इसमें दाल के दाने रह जाते हैं, तो मैं इसे और ग्राइंड कर लेती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत अगर दरदरा रह भी जाता है तो हम उसे छान सकते हैं, पर इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी बारीक पिस रहा है। तो अच्छी तरह से मैं इसे 2-3 बार और चलाते हुए पीस लूँगी। ये देखिए, ये लाइट आपको दिखाई दे रही है। और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए घर पर। और इसी बेसन से मैं आपको बेसन का हलवा भी बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। पहले आप बेसन देख लीजिए किस तरह से, ये देखिए अब तो बिल्कुल ही बारीक हो चुका है, ये देखिए। तो अब मैं डालूंगी इसे बॉल में, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे बेसन ख़त्म हो जाता है तो आप इसी तरह से चने की दाल को लीजिए, उसको हल्का सा रोस्ट कीजिए और उसे ग्राइंडर में इसी तरह से पीस कर तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।